जोहार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि भारत में लॉकडाउन का फैसला सही समय पर लिया गया था और इसके परिणाम भी अच्छे आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि अन्य देशों की तुलना भारत की स्थिति बेहतर है। उन्होंने देश में संक्रमण की स्थिति को लेकर कहा कि देश में लॉकडाउन से पहले संक्रमण का दोगुना होने का समय 3.4 दिन था, जबकि अब यह बढ़कर 13 दिन से भी ज़्यादा हो गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि 7 राज्य महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, दिल्ली, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के क्षेत्रों में देश के 70% मामले संक्रमण का है। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार राज्य में भीषण गर्मी के कारण हीट अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार 27 मई तक भीषण गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड के कई जिलों में तापमान 42 डिग्री तक होने की संभावना है, जबकि पलामू का तापमान आज 43 डिग्री तक तो वहीं रांची का तापमान 39 डिग्री रहेगा। झारखंड के 10+2 स्कूल खुलेंगे पर शैक्षणिक कार्य के लिए नहीं। माध्यमिक शिक्षा निदेशक जटाशंकर चौधरी ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को पत्र भेजकर राज्य में हाई स्कूल व प्लस टू हाई स्कूल खोलने का निर्देश जारी कर दिया है। हालांकि पत्र में विद्यालय कब से खुले जाएंगे इसकी तिथि का जिक्र नहीं किया गया है। इसका निर्धारण जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा किया जाएगा। उन्होंने पत्र में लिखा है कि विद्यालय सिर्फ कार्यालय संचालन एवं गैर शैक्षणिक कार्य के लिए खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। झारखंड में आज 27 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई, जो धनबाद से 3, पाकुड़ से 4, हजारीबाग से 4, पूर्वी सिंहभूम से 4, पश्चिमी सिंहभूम से 3, रांची से 1, गढ़वा से 3, रामगढ़ से 3, कोडरमा से 2 हैं। झारखंड में कुल संक्रमितों की संख्या 350 से बढ़कर 377 हो गई, जबकि 148 लोग स्वस्थ हुए और 4 लोगों की मृत्यु हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 1,38,536 है, जबकि 57,692 लोग स्वस्थ हुए और 4,024 की मृत्यु हो गई। झारखंड के मुख्यमंत्री भारत के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची में बढ़ावे स्थान पर। फेम इंडिया मैगनीज और एशिया पोस्ट के सर्वेक्षण के आधार पर वर्ष 2020 के 50 प्रभावशाली लोगों की सूची बनाई गई है, जिसमें झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के बढ़वा स्थान मिला है, जो कि हेमंत सोरेन के लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। इस सूची में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रथम स्थान तथा योगी आदित्यनाथ को द्वितीय स्थान, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। नीतीश कुमार से आगे केजरीवाल इस सूची में 13वें स्थान पर है, जबकि नीतीश कुमार को 14वां स्थान पर रखा गया है। हम आपको बताते चले कि इस लिस्ट में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को 21वां स्थान मिला है, जो कि हेमंत सोरेन से काफ़ी पीछे हैं। रांची से दिल्ली, बेंगलुरु, हैदराबाद के लिए विमान सेवा आज से शुरू। झारखंड राजधानी रांची स्थित बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पर एक बार फिर से यात्रियों की सेवा के लिए तैयार है। एयरपोर्ट डायरेक्टर विनोद शर्मा ने बताया कि यात्रियों के लिए कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लोगों को 2 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचना होगा, फेस मास्क, हैंड ग्लव्स और आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। शर्मा ने बताया कि 25 मई सोमवार से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु एवं हैदराबाद के लिए विमानों का परिचालन शुरू होगा। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार देश से ज़्यादा। झारखंड ने बढ़ते संक्रमण के मामले में भारत को पीछे छोड़ दिया है। झारखंड में पिछले 7 दिन में 7% की दर से वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ी है, जबकि देश में इसकी रफ्तार 5.50% है। झारखंड सिर्फ मौत के मामले में देश से बेहतर है। झारखंड में 1.14% मरीज की मौत हो रही है, जबकि देश में 2.97% है। गुजरात और आंध्र प्रदेश से 3,377 श्रमिक पहुँचे पलामू। प्रवासी मजदूरों का घर लौटने का सिलसिला जारी है। झारखंड के 24 जिलों के 3,377 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पलामू के डाल्टन स्टेशन पहुंचे। सभी श्रमिकों की मेडिकल स्क्रीनिंग के बाद भोजन पैकेट व पानी उपलब्ध कराया गया। मजदूर आंध्र प्रदेश के चित्तूर तथा गुजरात के भरूच जिलों से लौटे हैं। गढ़वा जिला के मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ रहे 16 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज। गढ़वा पुलिस ने मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ रहे 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की है। गढ़वा थाना पुलिस को सूचना मिली कि पत्सा मस्जिद में सामाजिक दूरी का उल्लंघन कर समूह में नमाज पढ़ने के लिए लोग जुटे हुए हैं। न्यू दिल्ली से रांची के लिए राजधानी स्पेशल ट्रेन लेट से खुली। न्यू दिल्ली से रांची और रांची से न्यू दिल्ली के लिए राजधानी स्पेशल ट्रेन 24 मई को निर्धारित समय से लेट से खुली।
हम आपको बता दें कि ट्रेन का निर्धारित समय 5:40 है, जबकि ट्रेन रात्रि 9 बजे खुली। यह ट्रेन सप्ताह में 2 दिन है, जो कि दिल्ली से रांची के लिए बुधवार और शुक्रवार को खुलती है तथा रांची से दिल्ली के लिए गुरुवार और रविवार को खुलती है। झारखंड के पूर्व मंत्री व बेरमो विधायक का निधन। झारखंड के पूर्व मंत्री और बेरमो विधायक राजेंद्र प्रसाद सिंह का दिल्ली में रविवार को निधन हो गया। वे कुछ दिनों से गंभीर रूप से बीमार चल रहे थे। उनका फेफड़ा में संक्रमण की शिकायत थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ट्वीट कर उनके निधन पर शोक प्रकट किया है। मिठाई दुकान में काउंटर सेलिंग को मंजूरी। मिठाई दुकान में अब होम डिलीवरी के साथ साथ काउंटर सेलिंग भी की जा सकेगी, परंतु बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। सदर SDO लोकेश मिश्रा ने कहा कि काउंटर सेलिंग की अनुमति केवल मिठाई दुकान को होगी, जबकि रेस्टोरेंट सिर्फ होम डिलीवरी करेंगे। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हर हाल में करना होगा। टेस्टिंग रेट में रांची जिला देश भर में आगे। रांची उपायुक्त राय महिमापत रे ने प्रेस वार्ता में बताया कि टेस्टिंग रेट के मामले में रांची जिला देश भर में आगे है। रांची में अब तक 10,000 टेस्ट किए जा चुके हैं, जो कि देश के औसत से कहीं ज़्यादा है। जैप 6 का जवान संक्रमण की चपेट में। झारखंड सशस्त्र बल की 6ठी बटालियन जैप 6 में संक्रमण ने दस्तखत दे दी है। रविवार को टेस्ट के रिपोर्ट के अनुसार जैप 6 के एक जवान में संक्रमण की पुष्टि हुई है। उक्त जानकारी पूर्वी सिंहभूम के उपायुक्त ने दी है। प्रवासी मजदूरों के लिए कमेटी गठित। प्रवासी मजदूरों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला में पंचायत व ब्लॉक स्तर पर कमेटी गठित की गई है। कमेटी के मदद से मजदूरों का डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। सभी मजदूरों को बिरसा हरित ग्राम योजना के तहत पौधारोपण व नीलाम्बर पीताम्बर जल समृद्धि योजना के तहत कार्य दिया जाएगा। शिक्षकों की राशन वितरण कार्य से मुक्त करने की मांग। शिक्षकों के अनुसार राशन वितरण व राशन कार्ड से संबंधित कार्यों में लगाए जाने से उन्हें ऑनलाइन कक्षा के संचालन में परेशानी हो रही है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार इस कार्य से मुक्त करे, जिससे कि छात्र हित में ऑनलाइन कक्षा का संचालन कर सके। 24 मई को 11 बजे अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की प्रदेश कार्य समिति की बैठक भी होगी, जो उक्त मुद्दे पर विचार विमर्श करेगा। किसानों की कर्ज माफी का आग्रह सुदेश महतो। किसानों की कर्ज माफी को लेकर आजसू पार्टी के केंद्रीय अध्यक्ष व विधायक सुदेश महतो ने कहा कि किसानों की कर्ज माफी से सरकार मुंह मोड़ रही है, जबकि बजट में 2,000 करोड़ का प्रावधान कर्ज माफी के लिए किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य के कई इलाकों में सब्जी और फल की पैदावार अच्छी हुई, लेकिन लॉकडाउन के कारण खरीदार नहीं मिले, जिससे किसान को काफ़ी परेशानी हुई। ऐसे में सरकार को चाहिए कि किसानों के खाते में तत्काल पैसे भेजे। 1,000 वर्ग फीट से कम के मकान का होल्डिंग टैक्स माफ। रांची नगर निगम स्टैंडिंग कमेटी की बैठक में निर्णय लिया गया कि 1,000 वर्ग फीट से कम क्षेत्रफल के मकानों का होल्डिंग टैक्स 1 साल के लिए माफ होगा, जबकि 1,000 वर्ग फीट से ज़्यादा क्षेत्रफल के मकानों से आधा होल्डिंग टैक्स लिया जाएगा। बैठक में मेयर आशा लकड़ा ने कहा कि हम सरकार के पास प्रस्ताव भेज रहे हैं, सरकार बदले में हमें वह राशि दे जो हम होल्डिंग टैक्स के रूप में शहर से प्राप्त करते हैं। सरकार से सहयोग राशि मिलने के साथ ही निगम होल्डिंग टैक्स माफी पर कदम उठाया जाएगा। प्रत्येक पंचायत में 500 एकड़ पर मेढ़बंदी हो सचिव। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने सभी जिला के DC व DDC को 1 जुलाई से पानी रोको अभियान के तहत दिशा निर्देश में अभियान चलाने को कहा है, ताकि हर गांव में वर्षा जल के संरक्षण से भू जल रिचार्ज करने में सफलता मिले। सचिव ने बिरसा हरित योजना को सही तरीके से करने को कहा है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में 500 एकड़ जमीन पर मेढ़बंदी करनी है। 28 मई से मैट्रिक व इंटर कॉपी जांच शुरू। रांची के जिला शिक्षा पदाधिकारी मिथिलेश कुमार सिन्हा ने पत्र लिखकर कहा कि जैक द्वारा 28 मई से मैट्रिक व इंटर की कॉपी जांच शुरू होनी है। मूल्यांकन कार्य से 1 दिन पहले सभी केंद्रों में सैनिटाइजेशन का निर्णय लिया गया है। झारखंड में मूल्यांकन का 67 केंद्र बनाया गया है तथा मूल्यांकन का नया समय सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। हिंद पीढ़ी के 3,000 घर कंटेनमेंट जोन से बाहर।
हिंदपीढ़ी में लगातार पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद रांची जिला प्रशासन ने पूरी तरह से सील कर दिया था। अब जिला प्रशासन ने हिंदपीढ़ी के कुछ हिस्सों को कंटेनमेंट जोन से बाहर करने का फैसला लिया है, जिसे लेकर सर्वे किया जा रहा है। सर्वे में सब कुछ ठीक पाए जाने पर लगभग 3,000 घरों को कंटेनमेंट जोन से बाहर किया जाएगा। रेड जोन से हजारीबाग लौटे 40 प्रवासी मजदूर। हजारीबाग उपायुक्त भुवनेश्वर प्रताप सिंह ने चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि पिछले दिनों हजारीबाग लौटे 40 मजदूर बगैर जांच कराए अपने घर चले गए हैं। इनकी तलाश की जा रही है। इनमें से एक भी पॉजिटिव केस निकलने पर परेशानी बढ़ सकती है। उन्होंने कहा कि पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इन मजदूरों की पहचान कर स्क्रीनिंग व सैंपल लिए जाएं। गुमला के 50 मजदूर तेलंगाना में फंसे। गुमला जिला के 50 मजदूर तेलंगाना स्थित जयप्रकाश एसोसिएशन लिमिटेड में बंधक बने हुए हैं। ये मजदूर घर आना चाहते हैं, परंतु कंपनी के लोग उन्हें बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं। कंपनी के मालिक ने कहा कि भागने पर बकाया मजदूरी नहीं देंगे। मजदूरों ने झारखंड सरकार से मदद मांगा है। एयरपोर्ट जाने वाले वाहन के लिए निर्देश जारी। लॉकडाउन 4.0 में मिले छूट के तहत टैक्सी परिचालन की अनुमति दी गई है। सोमवार से विमान सेवा शुरू हो रही है। इस संबंध में परिवहन सचिव रवि कुमार ने विमान से आने वाले यात्रियों, टैक्सी संचालकों, निजी वाहन चालकों के लिए आदेश जारी किया है। झारखंड में व्यवसायी वाहन की श्रेणी में निबंधित टैक्सी को ही उसका पास माना जाएगा, जबकि प्राइवेट वाहनों को ई पास लेना होगा। झारखंड में बस सेवा शुरू करने पर मंथन जारी। परिवहन मंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि लॉकडाउन की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बस सेवा शुरू करने पर विचार हो रहा है। बस सेवा नहीं होने से लोग परेशान हैं। परिवहन विभाग दूसरे विभाग के साथ राय कर रही है ताकि बस सेवा शुरू किया जाए और लोगों को भाड़ा भी कम देना पड़े। उन्होंने कहा कि बसों में टैक्सी की तरह अलग से पास लेने की आवश्यकता नहीं होगी। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय अवश्य दें। थैंक यू।